नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजी। आज मैं बात करने वाला हूं आप लोगों से वो भी थलाइबी की कलेक्शंस के बारे में ऑल ओवर इंडिया के। मैंने प्रेडिक्शन 2 करोड़ से 4 करोड़ के रेंज में दिया था, मुझे लगा ये फिल्म वहां तक कमाई कर लेगी, लेकिन मैं यहां पर गलत था। रीजन ये था कि हिंदी में कहीं ना कहीं मल्टीप्लेक्सेस के जो स्क्रीन्स है वो बिल्कुल अवेलेबल नहीं थे थलाइबी के लिए, यानी कि चाहे आईनॉक्स हो, चाहे पीवीआर हो, चाहे सिनेपोलिस है, सभी मल्टीप्लेक्सेस ने मना कर दिया इस फिल्म को रिलीज करने से पहले। और ये ज्यादातर क्या बोलते हैं सिंगल स्क्रीन पे फिल्म रिलीज हुई थी हिंदी सर्किट में, और वो भी नॉर्मल से काफी कम स्क्रीन पे, यानी कि मान लीजिए अगर 50% पे स्क्रीन है सभी फिल्म रिलीज हो रही थी या बेल बॉटम रिलीज हो रही थी, तो इसको सिर्फ वहां पर 10 या 15% के आसपास स्क्रीन मिली थी। तो हिंदी सर्किट में इसने 25 लाख का कलेक्शन किया, 25 लाख का। इसके अलावा साउथ सर्किट में इसने 1 करोड़ का कलेक्शन किया है तमिल और तेलुगु वर्जन मिलाकर। तो कुल मिलाकर थलाइबी फिल्म ने जो कलेक्शन किया है अक्रॉस इंडिया वो किया है 1.25 करोड़। अब यहाँ पे बता दूं कि एक और तमिल फिल्म है लबाम जो विजय सेतुपति की है, उस वो फिल्म इसको टक्कर दे रही काफी हद तक। और इसके अलावा एक तेलुगु फिल्म भी कल रिलीज हुई थी जो बहुत ही बड़ी थी, गोपी चंद और तमन्ना भाटिया स्टार सीटी मार, वो फिल्म सबसे बेहतर कलेक्शन करते हुए नजर आई दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, फर्स्ट डे का जो शेयर कलेक्शन है 3.5 करोड़, और जो नेट कलेक्शन जो ज्यादातर हिंदी सर्किट वाले समझते हैं एंटरटेनमेंट टैक्स काट कर वो है 4 करोड़। जी दोस्तों, 4 करोड़ का नेट कलेक्शन सिटी मार्क फिल्म का है, और कहा जा रहा है कि वन ऑफ द बिगेस्ट फिल्म होने वाली है, और सही तरीके से सही बैठ गई ये फिल्म और लोगों को पसंद आ रही। तो आई होप आपको थलाइबी और दूसरी फिल्म क्या बोलते हैं सिटी मारा कलेक्शन अच्छे लगे होंगे। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। एक तो चीज साफ है कि नॉर्थ सर्किट में थलाइबी को काफी हद तक इग्नोरेंस मिली है, लेकिन साउथ वाले इस फिल्म को ज्यादातर पसंद करें, स्पेशली तमिलनाडु जहां की एक्चुअली बेस है इस फिल्म का। बाय-बाय।